अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। आज मैं अपने एक इंटरमीडिएट के टीचर को मिलने जा रहा हूँ। मेरे लिए वो टीचर हैं सर रिजवान, लेकिन आपके लिए वो शायर हैं। रिजवान शायर आपने बहुत सुना होगा, उन्हें मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखा भी होगा और शायरी भी पसंद करते होंगे। तो आज उन्हें मिलने जा रहे हैं, उनसे अच्छी अच्छी शायरी भी सुनेंगे और ये भी पूछेंगे कि शायरी होती क्या है, कहाँ से शुरू की, कैसे आ गई। तो मिलते हैं सर रिजवान के साथ। तो उन्होंने मेरी तरफ लोकेशन भेजी है, तो मैं उस लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको कौन वाला शायर सुनेंगे उनसे बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो आज हम जिससे मिलने के लिए आए हैं स्पेशल, सर को हमने कहा था कि हमें, मेरे लिए सर हैं लेकिन आपके लिए, आपने बहुत सुना होगा, इन्हें देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, इनकी आपने वीडियोस देखी होंगी, शेर व शायरी, और बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे तो बड़े पसंद हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी पहले से जानते होंगे और पसंद भी करेंगे। तो मेरे लिए आप सर रिजवान, लेकिन वैसे तो आप शायर रिजवान के नाम से महावरत, ठीक है। तो आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, हमारे खानी व्लॉग को आपने मतलब इतनी इज्जत दी कि आप आज हमारे पास आए। नहीं तो आपका खानी व्लॉग का शुक्रिया कि आप ऐसे लोग जैसे मोहब्बत आप लोग करते हैं, जो चल के आना या एक इरादा करना किसी को मोहब्बत देने का, मेरे ख्याल में ये बेहतर जज्बा होता है। तो असल में शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, जैसा कि आप नाम का फारोग करवा चुके हैं। बाकी अदब का स्टूडेंट हूँ, अदब का तालिब इल्म हूँ और आजकल सीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली में पढ़ा रहा हूँ। बाकी अदबी जहाँ तक तारुफ है तो वो कोई 2016 से मैं बाकायदा इस चीज़ में शेर वगैरह कह रहा हूँ। अदबी दोस्तों के साथ मेरी उठक बैठक है और ये एक इन्फ्लुएंस जो है वो 4-5 साल से बाकायदा तौर से बना हुआ है। एक बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है क्योंकि वी लॉग है। हाँ ये बात तो, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें कि आप इतने, आपकी नितनी एज है, क्योंकि एक तो बहुत एज गुजरने के साथ अगर इंसान बंदे में एक्सपीरियंस आता है कि वो शेर कहना शुरू हो जाता है, तो आप इतनी जल्दी ये शेर व शायरी की दुनिया में, या क्या सोच के शेर और ये कहना शुरू हो गया, मतलब किस तरह आप इस मामले में आ गए, ये समझा। अच्छा पहली मेरे ख्याल में तो टीनेजर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ यही सुनना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में वो ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी लड़की से, और फिर इस तरह से ऐसा ऐसा शेर शायरी, शेर शायरी और दुखी हो गए और भाई ने फिर क्या किया कि शेर कहना शुरू कर दिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा संजीदा सा है कि शेर आपका ज़हनी रिस्क है। मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि शेर आपका ज़हनी रिस्क है। अच्छी सोच जो होती है, अच्छा सोचना जो होता है, जो कोई सा भी ख्याल जो होता है वो आपका ज़हनी रिस्क होता है जिसे आपने सख्त करना होता है। तो ये एक इन्फ्लुएंस है भाई, बहरहाल भाई बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं, अल्लाह पाक आपके अंदर खुदादाद सलाहियत ना देते हैं। यानी उस वक्त से भी मुझे शेर हांट करते थे जहाँ कहीं लिखा पड़ा होता था, कि जब मुझे शेर की समझ ही नहीं होती थी, ये पता होता था कि शेर पढ़ा है लेकिन उसका मुझे मानी और मफहूम जो है वो मुझे नहीं खुलते थे। तो शायद ये कुछ जेनेटिकली होता है, यानी बचपन ही से, को बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही यानी मुबालगा राइस मेरे ख्याल में जायज़ नहीं होती। मियाँ वाली में मुतअद्दिद मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ अपना, मियाँ वाली हमारा जो ये में हाल है जहाँ, और बहुत खूबसूरत है। और आपने ये भी सुना है कि आपने रेडियो मियाँ वाली में भी जी बहुत अच्छा, तकरीबन 2-2.5 साल जो है बतौर मुबसर मैंने काम किया है। तो जिसके लिए मैं स्पेशल आ जाया हूँ आपके पास शेर सुनने के लिए, पहले तो मुझे आप सेकेंड ईयर की क्लासें याद आ रही हैं जहाँ आप मतलब खड़े हो गए, आप हमें शेर सुनाते रहते थे, तो आज वही समझो रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ और शेर कुछ सुना लें जो आपको भी पसंद हो, जो आजकल हमारी ऑडियंस भी पसंद करे। नहीं मैं तो पसंदीदगी वगैरह का मैं मेरे ख्याल में फैसला नहीं करूँगा, फैसला हाँ, सुनने वाले करते होते हैं। बहरहाल एक ताज़ा गज़ल से मैं कुछ सुना देता हूँ, बट जो कोशिश यही है कि जो ज़्यादा ना सुनी हुई हो, कोई नई चीज़ हो, नई चीज़। मुझे वजूद यूँ हलाल हो रहा है आजकल, मुझे वजूद यूँ हलाल हो रहा है आजकल, तू बददिली में बाकमाल हो रहा है आजकल, और खिजां के दौर में बहार या गुलाब खिल उठे,
गुलाब के लोटे, वो बदमिसाल बेमिसाल हो रहा है आजकल। और हसन, ये शेर आपके लिए कि किसी से जख्म खा के वो अब आ चुका है होश में, किसी से जख्म खा के वो अब आ चुका है होश में, तो अब मेरा बड़ा ख्याल हो रहा है आजकल। और कोई नया फरेब दे के फिर जगा इसे, कोई नया फरेब दे के फिर जगा इसे, तेरा मरीज़ कुछ निगाल हो रहा है आजकल। और मेरा भी कासा खाली गम से हो रहा है दोस्ता, मेरा भी कासा खाली गम से हो रहा है दोस्ता, उसे भी थोड़ा सा मलाल हो रहा है आजकल, मुझे वजूद यूँ हलाल हो रहा है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी गज़ल है ये, आप मतलब खुद ही लिखते हैं और जी जी कुछ और गज़ल अगर आपके आज आप सुनाते हैं और हम सुनने के लिए हमारी ऑडियंस भी बैठी है और हम भी। जो जिस्मों जहाँ का हंस, जो जिस्मों जहाँ के लम्स का हसूल है फजूल है, जो जिस्मों जहाँ के लम्स का हसूल है फजूल है, विसाल के जो बाद का नजूल है फजूल है फजूल है, ये दिल को बेचने निकल पड़ा तो है मगर, ये दिल को बेचने निकल पड़ा तो है मगर, ये बाग सारा दश्त है बबूल है फजूल है। और दिलों के रबते हैं लाजमी वगरना ये, दिलों के रबते हैं लाजमी वगरना ये, कबूल है कबूल है कबूल है फजूल है। और वो बाल खोले मुस्कराए और गले लगाएगा, वो बाल खोले मुस्कराए और गले लगाएगा, मकामी लोग कह रहे थे भूल है फजूल है। और ये सरजमीन हिर्स है, ये खाक महज खाक है, ये सरजमीन हिर्स है, ये खाक महज खाक, खाक महज खाक है, ये खाक के करबला नहीं ये धूल है फजूल है। और गजाल चेहरा मरमरी बदन कंवल है दस्तों का, गजाल चेहरा मरमरी बदन कंवल है दस्तों का, अगरचे वो हसीन है पर फजूल है फजूल है, जो जिस्मों जहाँ के लम्स का हसूल है फजूल फजूल है, मिसाल के जो बाद का नजूल है फजूल है। लाशऊरी तौर पर हमारा जो इंसान के जो भी एक जो भी इंसान है उसका जहन है ना हसन, तो वो लाशऊरी तौर पर कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ चीज़ें वो आपके जहन में रह जाती हैं, जो हो सकता है महीनों पड़ी हूँ, हो सकता है सालों से पड़ी हूँ, कुछ बात या हो सकता है एक ही दिन पहले की हूँ, कुछ नहीं। वो जिस तरह हैंड ग्रेनेड है ना, उसके अंदर बारूद वगैरह तो है लेकिन फटता वो पिन निकालने से, पिन निकालने से तो पहले बिल्कुल तो इसी तरह शेर या कोई ख्याल वो होता पहले से है शायद, या कोई एक्सपीरियंस पहले से है, या कोई खाका एक जहन में पड़ा है लाशौरी तौर पर, एक खास सिचुएशन बनती है और वो बिल्कुल उसके अंदर ग्रेनेड की तरह जो है वो फट जाती है, मौके पर बंदा फट जाता है और फारसिस जो है वो बंदे को हो जाता है। मैं स्पेशली खाने ब्लॉग के नाम कुछ अच्छा कर देता हूँ, ये सारे शौक में कब तक रहोगे पागल हो, ये सारे शौक में कब तक रहोगे पागल पागल हो, बयाज़े उम्र में आहें लिखोगे पागल हो, अगर बनोगे पितंगा तो जल के मरना है, अगर बनोगे पितंगा तो जल को जल के मरना है, बनोगे दीप तो जल कर बुझोगे पागल हो। और घुटन से इश्क अजियत से दिल लगी है जिसे, घुटन से इश्क अजियत से दिल लगी है जिसे, घुटन से इश्क अजियत से दिल लगी है जिसे, तुम ऐसे शख्स के गम में जलोगे पागल हो, पागल उसे भुलाने के हर बे फजूल हैं रिजवान, उसे भुलाने के हर बे फजूल हैं रिजवान, तुम अपने आप से कब तक लड़ोगे पागल हो, ये सारे शौक में कब तक रहोगे पागल हो, बयाज़े उम्र में आहें लिखोगे पागल हो, पागल हो। मेरे ख्याल में काफ़ी है, कुछ और भी सुना लो इसमें तो पागल हो पागल हो लेकिन बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है कि आपकी। मैं खानी आप खूसन कावेश और आपके व्लॉग की लगे मेरे ख्याल में आखिरी गज़ल और बहुत हो गया कि भागता सीढ़ियाँ उतरा था बहुत जल्दी में,
भागता सीढ़ियाँ उतरा था बहुत जल्दी में, दाल काली है जो लड़का था बहुत जल्दी में, दाल काली है जो लड़का था बहुत जल्दी में, हमसे फौरन न कभी हाल बताया जाता, हमसे फौरन न कभी हाल बताया जाता, और वो मिलता था तो होता था बहुत जल्दी, हमसे फौरन न कभी हाल बताया जाता, जब मिलता था तो होता था, और वो मिलता था तो होता था बहुत जल्दी में, बंद कमरे में पड़ा है कहीं रोता ना हो, बंद कमरे में पड़ा है कहीं रोता ना हो, आज दफ्तर से भी लौटा था बहुत जल्दी में, और जिससे माजी की महक जहन को ताज़ा करती, जिससे माजी की महक जहन को ताज़ा करती, यार वो शाम का झोंका था बहुत जल्दी, और आखिरी शेर के शाहजादी को मुयस्सर था बहुत प्यार का वक्त, शाहजादी को मुयस्सर था बहुत प्यार का वक्त, और दिरखान का बेटा था बहुत जल्दी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गज़ल आपके, एक आप खुद लिखते हैं और उसके साथ आपका एक परफॉर्म करने का अंदाज भी अपना ही है, हर शायर का मुख्तलिफ होता है, तहजीब हाफिजी जो भी हो गया, मतलब हर का अंदाज बयान मुख्तलिफ है, तो आपका एक अपना अंदाज बयान है। पिंडी में कुछ दोस्त अहबाब कह रहे हैं, वैसे लाहौर में दो बार उधर इतफाक़ हुआ है अलहमरा हाल में जाने का, और पिछले दिनों हम लैया गए हुए थे, मुझे नहीं पता था बहुत अच्छा आपका खानी का व्लॉग आपने निकाल सकते थे, लेकिन बस वो जल्दी में प्रोग्राम बना है लैया लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आप साथ साथ रहेंगे, ज़िंदगी रहते हैं साथ ही रहेंगे, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया खानी व्लॉग का शुक्रिया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जिसको जो शेयर खास तौर पर, क्योंकि सर ने मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड सर ने मुझे एक बात कही है, ऑन द रिकॉर्ड बताता जाऊँ कि ये हज़रत सैयद मकबूर कलंदरी का जुमला है, जो कहते हैं कि कोई सभी शायर हो उसके सारे शेर अच्छे नहीं होते, उस शायर का कोई एक शेर होता है जो आपको पसंदीदा होता है, और अगर इन शायर के सर रिजवान हो तो बार बार सर रिजवान ही कहूँगा, वैसे ये शायर रिजवान है, तो कोई भी एक पसंद आया हो शेर तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी ताकि पता चले, हाँ सर को मैं वो स्क्रीनशॉट बल्कि आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक और व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, ठीक है सर, ओके हसन, खुश रहो, सलामत रहो।